सो हे गाइस, आप सभी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप सभी का जो है आरपीएफ का वैकेंसी जो आने वाली थी उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और दोस्तों आपका जो है आरपीएफ का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप सोच रहे हैं कि ये सच है या झूठ है, तो आप सभी देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ आपको कि आपका जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी है, मतलब आपका जो क्राइटेरिया है, आपका कब फॉर्म शुरू होगा, कब आप फॉर्म भर पाओगे, इसमें आपको कितना रनिंग चाहिए, तो दोस्तों आपका जो फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है, वो आपका फॉर्म का स्टार्टिंग डेट कब है दोस्तों? तो 15 तारीख चौथा महीना से आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 2024 में। और इसका जो एंड डेट है, लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन का, वो कब है दोस्तों? तो वो है आपका 14 तारीख पांचवा महीना 2024 को आपका लास्ट डेट है। आपको जैसे कि स्क्रीनशॉट में यहाँ बगल में दिख रहा होगा, ठीक दोस्तों। तो और आरपीएफ कांस्टेबल में जो है आपका एज कितना है, तो कांस्टेबल के लिए आपका एज 18 से 28 तक होना चाहिए। और अगर आपको सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल होना है तो आपका जो एज है वो 20 से 28 तक है, ठीक दोस्तों। और दोस्तों टोटल जो है आरपीएफ में कितने वैकेंसीज आए हैं, तो टोटल 4,660 वैकेंसी आया है, जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट में भी दिख रहा होगा। टोटल 4,660 वैकेंसी है, जिसमें सब इंस्पेक्टर आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए जो वैकेंसी है वो कितना है, तो वो दोस्तों आपका मात्र 452 पोस्ट है एसआई के लिए। और बाकी कॉन्स्टेबल के लिए 4,208 पोस्ट कॉन्स्टेबल के लिए, ठीक दोस्तों। और दोस्तों ये जो कॉन्स्टेबल के लिए रनिंग है, कॉन्स्टेबल और एसआई दोनों के लिए रनिंग का जो टाइम जो डिस्टेंस है वो सेम होने वाला है, लेकिन जो रनिंग है उनका जो टाइमिंग है अलग अलग है। क्या क्या है तो दोस्तों, कॉन्स्टेबल का रनिंग के लिए 1600 मीटर का रनिंग है, डिस्टेंस आपका कितना है 1600 मीटर है, ठीक दोस्तों। लेकिन आपको टाइमिंग कितना दिया है उसके लिए 5 मिनट 45 सेकेंड टोटल मिल रहे हैं। 1600 मीटर आरपीएफ कॉन्स्टेबल के रनिंग के लिए 5 मिनट 45 सेकंड टोटल आपको दिया जा रहा है, ठीक दोस्तों। और आरपीएफ एसआई के रनिंग के लिए आपको कितना दिया जा रहा है, तो आरपीएफ एसआई के रनिंग के लिए 1600 मीटर की दौड़ में 6 मिनट 30 सेकंड आपको टोटल दिए जा रहे हैं, ठीक दोस्तों। अब जो है आरपीएफ कॉन्स्टेबल और आरपीएफ एसआई में रनिंग तो है ही, रनिंग के साथ क्या क्या है, रनिंग के साथ आपको हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, मतलब पीटी है, ठीक दोस्तों। हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस तरह के कुछ और चीज है दोस्तों। आपको और भी जो इसका सिलेबस कैसा आएगा, कैसा इसका पैटर्न है, किस पैटर्न पे इसका एग्जाम आता है, वो सब कुछ अगर आपको जानना है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इसी तरह की न्यूज को पाने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। और आपको अगर कुछ भी और भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और हमारे साथ इसी तरह से बने रहें।